दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर पीसी जोशी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से आज से पूरी दाखिले की प्रक्रिया अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए शुरू हो रही है, ये हालांकि पिछली बार भी ऑनलाइन था, इस बार लेकिन 99% से ऊपर गया है रिजल्ट, तो क्या आपको लगता है कि इस बार ज्यादा दारोमदार, पहले ही 100% कई कॉलेजेज में कट ऑफ जा चुका है, इस बार कहां जाएगा? लग रहा है इस बार थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, लेकिन हम, जैसा मैंने पहले कहा, जो हमारे बोर्ड्स हैं उन बोर्ड्स के जो मार्क्स हैं उसको हम पूरा सम्मान देंगे और स्ट्रिक्टली मेरिट के आधार पर ही इस बार भी हम एडमिशन देने वाले हैं। लेकिन बड़े कॉलेजेज में जैसे SRCC है, हिंदू है, स्टीफेंस है, यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट पहले ही बहुत ऊपर जा चुके हैं और वो एक चिंता का विषय कई बार रहा भी है। इस बार जब रिजल्ट इतने अच्छे हुए हैं तो किस तरीके से, क्योंकि फिर तो मतलब जो नीचे जिनका मार्क्स है उनकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अच्छे कॉलेज हैं, SRCC का आपने नाम लिया या हिंदू कॉलेज का नाम आप ले सकते हैं, वो हमेशा ऊपर वाले ही आते हैं और इस बार थोड़ा सा अगर जैसा आप कह रहे हैं ऐसा हुआ तो ओवर एडमिशन भी हो सकते हैं, ओवर एडमिशन के चांसेस हैं इस बार, क्योंकि अगर कट ऑफ बहुत हाई है तो ओवर एडमिशन होने के भी चांस है, क्योंकि हम तो एक कट ऑफ कॉलेज करेगा, उसके बाद जितने भी होंगे उनको लेना पड़ता है और वो लेता है, तो इस बार ज्यादा दाखिला होगा, हो सकता है। जैसे कि अगर ये बात सही है कि बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज आती है, ओवर एडमिशन हो सकते हैं, चांसेस हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपनी अलग ख्याति है और इस बार भी आप लोगों ने ऑनलाइन पूरी दाखिला प्रक्रिया रखा हुआ है, हालांकि कह रहे हैं मेरिट पे ही सब कुछ लगभग एडमिशन होगा, लेकिन इस बार चुनौतियां क्या हैं, क्योंकि ऑनलाइन दाखिले के साथ साथ कई सारी और चुनौतियां भी साथ में आती हैं, उन चुनौतियों से आप कैसे तैयार हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये दूसरी बार हम ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं। आपने, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, पिछले साल हमने एग्जाम लिए थे OBE में, ऑनलाइन थे, हमें कई चुनौतियों का सामना कराना पड़ा, पर धीरे धीरे हमने उसको आत्मसात कर लिया। इस बार हमारे ऑनलाइन एग्जाम तो बिल्कुल अच्छी तरह से हुए। इसी प्रकार से पिछली बार हमने ऑनलाइन एडमिशन्स लिए थे, प्रवेश किए थे ऑनलाइन, और थोड़ी चुनौतियां आई थी, उससे हमने सबक ले लिया इस बार, और इस बार मैं समझता हूं कि ये जो परेशानियां हैं बिल्कुल न्यूनतम हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये तो हुई दाखिले की बात, लेकिन अभी भी जो क्लासेस चल रही हैं, परीक्षाएं जाते थे, आपने क्या ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ है, लेकिन अब क्लास को लेकर के कई जगहों पर स्कूल खोले जा रहे हैं, कॉलेजेज भी खोले जा रहे हैं, तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी कोई एक प्लानिंग है कैसे क्लासरूम टीचिंग शुरू की जाए? देखिए, जैसे ही हमें ये निश्चित हो जाएगा कि कोई खतरा नहीं है और MHA गाइडलाइंस इसकी इजाजत देंगी, हम ऑफलाइन भी शुरू कर सकते हैं या ब्लेंडेड शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार भी, जैसे चीजें थोड़ी सी सुधरने लगी थी, हमने पहले रिसर्च स्कॉलर्स को अलाउ किया, उसके बाद हमने जो साइंस वाले जो हैं उनको अलाउ किया, इसी प्रकार से देखते हुए कि जैसे सिचुएशन, जैसे उसमें सुधार आएगा, हम अपने आप को थोड़ा खोलने की चेष्टा हम जरूर करेंगे और प्रयास भी करेंगे, पर यह सब निर्भर करेगा कि इस वस्तुस्थिति क्या है। तो आपको भी एक बार शुभकामनाएं, क्योंकि आप इतना बड़ा एडमिशन प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, कब तक सब कुछ सामान्य होगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्या दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपने कोई टाइमलाइन रखी है? फिर बिल्कुल, हम लोग, जैसा कि UGC ने भी गाइडलाइन दी है, हम लोग 18 अक्टूबर से सेशन शुरू करने की पूरी कोशिश करने जा रहे हैं, 18 अक्टूबर से। चलिए, तो दाखिला भी हो जाएगा और 18 अक्टूबर से, यानी लगभग 2-2.5 महीना लगेगा इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने में, और उसके बाद क्लासरूम में नया बैच, नई जोश, नई ऊर्जा के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में शामिल होगा।